हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। प्रभु सभी को आशीष दे। आप देख रहे हैं निशा शर्मा ब्लॉग। और मेरे को काफ़ी फ्रेंड लोग ये पूछ रहे थे कि अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ कि आप नोनू से कैसे मिले। और काफ़ी फ्रेंड लोग मुझे बैड कमेंट करते हैं, ये लिखते हैं कि अपने पापा के साथ रहो कि मॉम एक्सपायर हो गई है। तो काफ़ी सारा मतलब कमेंट पे लिखते हैं। तो ये जिस घर में हम रहते हैं, आपको ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों की मैं अपने मायके में रहती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मायका बस ये है कि 4-5 कदम की दूरी पर, जहाँ पर हमारे यहाँ किराने की दुकान है तो वहीं पर पास में है मेरा मायका। तो लव मैरिज कैसे हुई होगी तो सोचा करो कि पास में रहता होगा तभी तो हम मिले होंगे, तो इसलिए तो लव मैरिज हुई होगी। तो जिस घर में हम ये रहते हैं, ये पुराना घर था जो हमने तोड़ फोड़ के दोबारा से सही करके बनाया है इसको। तो ये नोनू की मोम का बहुत पुराना घर है। और जो नोनू है तो मेरी इससे जो छोटी सिस्टर है तो उसकी फ्रेंड थी नोनू की बहन। तो मतलब मेरी बहन की फ्रेंड थी इसकी बहन, और इस वजह से हम मिल लिए कभी। ये भी उसकी फ्रेंड थी तो फ्रेंड के साथ घूमने आता था। पर धीरे धीरे मतलब ऐसी दोस्ती दास्ती होती रही इनकी। पर मेरा रिलेशन सिर्फ 3 महीने का था, 3 महीने के बाद ही मेरी मैरिज हो गई थी। मैं इतना बताना चाहूँगी आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं कि मेरा बहुत लॉन्ग टाइम का रिलेशन है। 3 महीने तो बहुत कम है, जान लेना चाहिए था इंसान को। पर वैसे बचपन से देखा था, पर मेरी से बातचीत नहीं होती थी। वैसे भी जैसे किसी को देख लिया अड़ोस पड़ोस में, ऐसे ही जैसे पड़ोसी होते हैं इस टाइप से ही था। लेकिन फिर जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही रोक सकते ना ही टोक सकते। बस उसने मेरी कभी कुछ एक छोटी सी हेल्प करी थी, और आज तक मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी थी इस दुनिया में, किसी ने भी नहीं करी थी, ना मैंने मांगी थी। सबने मुझसे हेल्प मांगी, पर मेरी हेल्प करने वाला पहला इंसान जो मिला था वो लव था। तो इसकी वजह से लव मतलब मेरे हस्बैंड का नोनू नहीं है, रियल नेम उनका लव है। तो इसलिए पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाले ने क्या चाहा। क्योंकि मुझे हमेशा मैं रोती रहती थी, हमेशा ये बोलती थी भगवान नहीं है, मेरे पापा अगर होते तो मेरा भी बहुत अच्छे से शादी होता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे सोच के मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें चलती थी। तो एक दिन मैं वैसे बैठ के ना ऊपर आसमान को देख के रो रही थी कि मतलब भगवान होते भी हैं कि नहीं होते। बस उसके कुछ टाइम बाद मेरी लाइफ में एंट्री मारी इन्होंने, और इन्होंने जो मेरे को सिखाया, जो चीज़ बताया, तो आज मैं परमेश्वर में इतना बिलीव करती हूँ। मुझे भूत प्रेत भी नहीं अब दिखते, क्योंकि मेरे को पहले भूत प्रेत भी दिखते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत डरती थी, मैं कभी भी अपने आप को सीधा होकर कभी भी नहीं सो सकती। लेकिन अब मैं जैसे मर्जी रह लेती हूँ। जैसे मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें बताऊँगी तो आप बिलीव नहीं करोगे। मैं एक गैस जलाती थी खाना पकाने के लिए, मेरा दूसरा गैस अपने आप जल जाता था मेरी आँखों के सामने, तो मुझे बहुत और ज़्यादा डर लगता था। और फिर मेरे यहाँ इनकी बहन भी आई, तो उनके साथ भी एक दो बार ऐसे ही हुआ कि उन्होंने एक गैस जलाया, दूसरा अपने आप जल रहा होता, वो बंद करके भी चल गई, उसके बाद भी दूसरा जल रहा होता। तो कहती भाई मैंने तो जलाया ही नहीं। उसके भाई कह रहा तू घर में आग लगाएगी क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं जलाया। तो ऐसी घटनाएं बार बार होती थी। मेरे को लगता था कि अगर मैं किसको बताऊंगी तो उनको लगेगा कि मैं पागल बना रही हूँ। मैं मतलब मैंने कभी जिक्र नहीं करा, मैं बंद कर देती थी। पर मतलब काफ़ी बार बहुत बार ऐसा हो रखा है। मैं सोचती थी क्या पता गैस सिलेंडर पुराना हो तो इस वजह से मैंने घर में सारी चीज़ें नहीं ली। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक बार मेरा इस गैस के साथ भी ऐसी कुछ हुआ था, और कि गैस जल रहा था अपने आप, वो गैस अपने आप जल गया दूसरा वाला। मैंने उसमें कुछ कर भी नहीं रखा था कि कुछ उतार के दूसरी चीज़ रखी हो, और मैं देख के मेरे को घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं डरी नहीं इस बार बिल्कुल भी। उसके बाद से मेरे से ये होती हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये सब मेरे से ख़त्म होती चली गई। हाँ, अब कभी कभी भी हो जाता है, जैसे कि मैं जिस टाइम रो रही होती हूँ तो उस टाइम ही होता है ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा, कि जिस टाइम मैं बहुत सैड होती हूँ तो मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे को जितने भी लोग मेरे घर के एक्सपायर हो रखे हैं वो मुझे सब सपने में आते हैं। बस उनमें से मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, बाकी सारी दुनिया के लोग वापस करते हैं। वो मेरे डैड मुझे हमेशा मेरे घर के गेट पे बैठे हुए दिखाई देते हैं मेरे सपने में, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। बल्कि नोनू की मॉम भी मुझे सपने में बहुत बार आवाज़ मारती है कि निशा गेट खोल हम आए हैं, क्योंकि वो मुझे निशा बुलाती, मेरे नाम से नहीं बुलाती। तो बस इतने मेरा सपना हमेशा खुल जाता है। और एक बार तो मैंने सच में रियल में उठ के गेट खोला है रात को, लेकिन इसका जिक्र मैंने अपने हस्बैंड से नहीं किया, इसलिए मैं जल्दी से सोती नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को लगा था कि हमारे मैंने उनको कहा भी था कोई हमारी खिड़की से मेरे को देख रहा है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि गेट गुट ना खोलना। तो मेरे से हुआ था एक बार रियल में, मेरे को नहीं पता कि मैं शाम के टाइम सो गई थी 8-9 बजे के टाइम में ना, तो बाहर से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे आवाज़ मार रहा था, बुला रहा था। मैं उठ के आई थी, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि मैं उठ के नहीं आई। मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती है ना, बहुत ही अजीब और गरीब। तो इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा भी नहीं जीऊँगी, क्योंकि मैं ऐसा लगता है 40-45 साल इतना जीऊँगी मुझे खुद को लगता है। क्योंकि एक दिन मेरे बेटे की मुझसे आप ये ज़रूर सुनोगे कि मैं नहीं हूँ इस दुनिया में, क्योंकि मेरे को जीने की इच्छा बहुत ज़्यादा
है थी और अभी भी है आगे भी, और जो ऐसा सोचता है कि वो बहुत जिएगा, वो बहुत कुछ करेगा अपनी लाइफ में, वो लोग हमेशा ही नहीं जी पाते ज़्यादा। तो मेरी इच्छाएं तो बहुत है लेकिन उन्हें कंट्रोल करके रखती हूँ मैं। वैसे भी अगर इच्छाएं ना हो इंसान की तो फिर अगर वो पीछे के लोगों को देखेगा तो हमेशा ही पीछे रहेगा, इसलिए हमेशा आगे को देखना चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सच बताऊँ तो पीछे के लोगों को देख के, अपनी तरह ही लोगों को देख के ना थोड़ा सुकून मिल जरूर जाता है, लेकिन हम आगे का रास्ता ना भूलें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है पीछे नहीं। तो मेरे से जिन्होंने नंबर मांगा था तो अभी मैंने नंबर सेंड किया है उन लोगों को, अभी ब्लॉग पोस्ट करते ही साथ, तो करते ही साथ नहीं मतलब करने से पहले ही करा है मैंने, तो आप देख लेना। अगर जिस पे नहीं आया होगा तो एक बार और कमेंट कर देना कि मेरे को भूल गया आप, ठीक है। तो मैंने 7-8 लोगों ने नंबर मांगा था उसमें से कि हम बात करेंगे पूछेंगे, लेकिन शाम को वो नहीं गई। मेरे पे फ़ोन आया था, मेरे बेटे ने फ़ोन काट दिया, वरना मैंने सोचा एक बार जरूर पूछती कि आपका नंबर दे दूँ क्या। वैसे मैं अभी एक दो को ही दिया है, तो पहले आप लोग बात कर लेना फिर मुझे बता देना। मेरी कोई ऐसी खास लव स्टोरी नहीं है, बस इतनी सी कहानी थी मेरी लाइफ की कि मैंने एक इंसान की मदद के चक्कर में मैंने अपनी पूरी लाइफ उसके साथ दे दी उसको, और वो मेरी लाइफ के साथ जैसा मर्जी कर सकता है, चाहे वो मुझे मारे पीटे काटे पीटे, वो उसकी मर्जी है। वो मुझे अब जाने के लिए भी कहता है तो मैं एग्री कर लेती हूँ कि मैं चले जाऊँगी। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती कि मैं नहीं जा रही, या फिर तो मैं आप किसी को दुख देना नहीं चाहती अपनी लाइफ में, क्योंकि जब मैं ग्रंथ पढ़ती हूँ धार्मिकता वाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो ऊपर वाले तेरे भरोसे पे एक कदम निकाल के ही देख लेते हैं ज़िंदगी का, आगे बढ़ा के ही देख लेते हैं। अभी तो मुझे फ़िलहाल बहुत प्यास लग रही है, ओ वही पानी की, मेरा आसन बहुत बेकार है, ये सारी की पानी की बोतल निकाल निकाल के वहाँ डाल देता है। कहाँ चल रही है बोतल भी, मुझे कह रहा है कि बोतल मतलब कह रहा है नो, हाँ प्यास। ये पता क्या करता है, सारे बर्तन फ्रिज, ये तो सी बोतल है इसमें मुँह लगा के पीता उसको, ये जितने भी धूप के डब्बे आराम से रख देगा फ्रिज में, सारे डब्बों को एक तरफ रख देगा और क्या सारी बोतलों को इसमें फिट कर देगा। मतलब इसको घर घर सजाना बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। हाय मम्मी, क्यों मम्मी बहुत दूर से आ रही है क्या है? हाय मम्मी, मैं सच्ची में बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरे को खुद को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं आज रील्स बनाई मैंने पहली बार, क्योंकि मैं मतलब पोस्ट वाली वीडियो, मतलब पहले वीडियो बनाती फिर उसको पोस्ट करती हूँ सब में, तो मतलब फिल्टर उल्टर लगा के फेस को थोड़ा पतला हो जाता है, लेकिन रियल फेस मेरा यही वाला है, तो उसमें मैंने बनाया। मैं इतनी मोटी दिख रही हूँ कोई हद ही नहीं है यार। मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को। करूँगी लेकिन टाइम पर करूँगी, अभी बिल्कुल भी नहीं, अपने बॉडी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी फ्यूचर में बेबी चाहिए, क्योंकि फिर शरीर बिल्कुल बहुत टाइट हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर ऑपरेशन की नौबत आती है। लोगों को लगता होगा जिम करके वो फिट हो गए, पर उनको ये नहीं पता कि अगर वो बाद में डिलीवरी के टाइम में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तब लड़कियों को या औरतों को तब एक्सरसाइज करनी चाहिए जब अपने जिम जुम ज्वाइन करना चाहिए, जब उनके बेबी बूबी हो जाए, तब शरीर पूरा टाइट ट्विट हो जाए, बढ़िया फिट फॉर हो जाए, तब अच्छा है। लेकिन ऐसे भी लड़कियां पहले पतली जाती हैं, शादी के बाद ही वो मोटी हो जाती हैं, तो इसलिए बाद में ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो जिम। मेरी लाइफ में यही मेरी लव स्टोरी है कि जब मेरे को ज़रूरत थी किसी इंसान की, मतलब मेरे लिए ये नहीं कि केयर करे कुछ भी, मतलब बिल्कुल अर्जेंट ज़रूरत थी, तब सारे रास्तों में मेरे हस्बैंड खड़े थे मेरे साथ, जिसको मेरे को पता नहीं था कि बाद में हमारी शादी भी होगी कभी। मेरे पे बोतल थी यार, आशीष देखो मेरे लिए गिलास में पानी लेके आया है, आप खुद पी रहा है, मैं नहीं पीऊंगी इतना पानी। मैंने कभी भी नोनू के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, यहाँ तक कि मेरी शादी हो भी चुकी थी और उसके बाद भी मेरे को उनके लिए कभी फीलिंग्स नहीं आई, सच्ची कह रही हूँ। ये होता नहीं कि किसी को मतलब एक्सेप्ट कर लेना, ऐसा हुआ था मेरे साथ। लेकिन अब मैं सच में ही अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अब इस टाइम, मुझे ये नहीं पता क्यों। अब वो किसी की तारीफ भी करते हैं ना तो मुझे बुरा लगता है और मैं सीधा मुंह पे बोल देती। पहले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो किसी को भी अपनी गाड़ी पे बिठाएं या किसी से भी चिपके या बात करें, लेकिन अब बहुत बुरा लगता है सच्ची, क्योंकि मेरे को ना कोई मतलब नहीं रहता, और जिसको मेरे को लगता है ना कि ऐसा है उस बंदे से बात करना छोड़ देती हूँ, मतलब बाहर में जा। लेकिन अब मेरे को थोड़ी सा अंदर से लगता है कि जो चीज़ मेरी है मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, पता नहीं कि वो किसी की तारीफ भी करते हैं तो भी मुझे बुरा लगता है, तो मैं उनको मुँह पे कह देती हूँ कि प्लीज़ मेरे आगे मत करा करो, ये मुझे बुरा लगता है, मेरी पीठ पीछे कर लो लेकिन मेरे सामने मत करो। ओके, तो ये मेरी लव स्टोरी थी, बाय, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। आप भी ऐसा मत किया करो, जो शादीशुदा लोग हैं आपकी वाइफ को बुरा लगता होगा, भले वो बोलती ना हो, मैं तो इतनी छिड़कूँगी मैं बोल ही दूँगी, ठीक है, बाय।